Hey guys, welcome to my channel Kesar and Coco. Hope you are fine and doing well. आज हम थोड़ी अलग वाली सब्जी बनाएंगे. ये सब्जी में हम यूज करेंगे सूखी मेथी, बैंगन और पापड़. ये थोड़ी कड़वी है क्योंकि हमने मेथी यूज की है. हाँ, बट गाइज ये डेफिनेटली बहुत ही टेस्टी है. तो अगर किसी को मेरे जैसे थोड़ा कड़वा स्वाद पसंद है, करेले का, कॉफी का, मेथी का, तो ये सब्जी आपके लिए परफेक्ट है. सो विदाउट एनी डिले जस्ट लेट्स बिगिन दिस वीडियो. मेथी, बैंगन और पापड़ की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली है सूखी वाली मेथी. ये मेथी हमने ली है यहाँ पे आधे कप से थोड़ी ज्यादा और पौना कप से थोड़ी कम. रात भर हम मेथी को अच्छे से भिगो देंगे तो सुबह तक ये देखिए मेथी का दाना थोड़ा बहुत सॉफ्ट हो जाएगा. ये आप देख सकते हैं उंगली के स्लाइड प्रेशर से भी वो अच्छे से दब रहा है. तो ठीक से हमें मेथी को भिगा देना है. उसमें जो पानी है वो सारा हमें निकाल देना है. दो तीन बार ठीक से मेथी को वापस धो लेना है. यहाँ पे हमने लिए है छोटी साइज के 5 से 6 बैंगन और इस तरह हमें उसे लंबे लंबे काट लेना है. बैंगन को हम काट के इस तरह पानी में निकालेंगे. देखिए बैंगन हमारे कट चुके हैं और मेथी को भी हमने अच्छी तरह से 3 से 4 बार धो के इस तरह एक छन्नी में निकाल लिया है. तो हम अब फटाफट से सब्जी बना लेते हैं. एक मोटे तले वाली कढ़ाई में हम यहाँ पे ले रहे हैं नियरली 6 से 7 टेबलस्पून जितना तेल. ये सब्जी में तेल थोड़ा ज्यादा पड़ता है. अगर आप ये सब्जी कम तेल में बनाएंगे तो ये टेस्टी नहीं लगेगी. तो इसलिए तेल की मात्रा 6 से 7 टेबलस्पून रखिए. तेल गर्म होने पर हम उसमें डालेंगे 2 से 3 चुटकी हींग, 1/4 चम्मच जितनी राई और इस तरह 2 टुकड़ों में कटे हुआ 1 बड़ा तेज पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च, 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े और सारी चीजों को ठीक से मिक्स कर देंगे. अच्छे से सारी चीजें मिक्स हो जाए फिर हम उसमें डाल देंगे हमारी भिगाई हुई मेथी. ठीक से हमें मेथी को मिक्स कर लेना है और अच्छे से उसे पका लेना है. मेथी को पकने में नियरली 18 से 20 मिनट तक लग सकते हैं. तो इसलिए आप पेशेंटली मीडियम ताप पे मेथी को ठीक से पकाएं. यहाँ पे हमने डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक और वापस सारी चीजों को मिक्स करके हम ऊपर एक थाली ढकेंगे और थाली में हम डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि पानी की स्टीम से ही मेथी हमारी अच्छे से पक जाए. वापस हम 4 से 5 मिनट बाद मेथी को हिला लेंगे. थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप ऊपर और पानी डालिए और मेथी को हिलाते रहिए. थोड़ी बहुत मेथी पक जाए फिर हम उसमें डाल देंगे हमारे बैंगन. हमारे घर में बैंगन थोड़े ज्यादा पसंद है इसलिए मैंने ज्यादा बैंगन डाले हैं. अगर आपके यहाँ बैंगन कम पसंद है तो आप कम बैंगन भी डाल सकते हैं. नहीं पसंद है तो आप इसे एब्सोल्युटली स्किप भी कर सकते हैं. ये टोटली आपके ऊपर. वापस हम ऊपर थाली रखेंगे और थाली में थोड़ा पानी डाल देंगे. अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप सब्जी में भी थोड़ा बहुत पानी डाल सकते हैं. अगर आपको लगे कि सब्जी थोड़ी सूखी लग रही है तो 2 से 3 टेबलस्पून तक पानी आप इसमें भी डाल सकते हैं. ठीक से हम बैंगन और मेथी को साथ में पकाएंगे और ये प्रोसेस होने में नियरली 18 से 20 मिनट तक लग सकता है. जब आपको लगे कि सब्जी ऑलमोस्ट पक चुकी है तब हम उसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जितना हल्दी पाउडर, 2 से 2.5 चम्मच जितना धनिया जीरा पाउडर, 1.5 चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और वापस हम अच्छे से सारी चीजों को मिक्स करेंगे. आप गाइस बिलीव नहीं करोगे, ये सब्जी जब बन जाएगी तब हम जो अंकुरित करके मठ या मोठ बनाते हैं बिल्कुल वैसी लगती है. देखकर तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये मेथी की सब्जी है. तो गाइस वापस हम ऊपर थाली रख के थोड़ा सा पानी डाल के हम सारी सब्जी को ठीक से पकाएंगे ताकि सारे मसाले ठीक से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए. तो ये गाइस हमारी सब्जी ऑलमोस्ट डन है. गैस की आंच बंद करके अब हम उसमें डालेंगे नियरली 1 नींबू का रस. तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 नींबू का रस. ऊपर से हम और डालेंगे थोड़ी धनिया पत्ती और वापस हम थोड़ा बहुत सब्जी को मिक्स कर लेंगे. सब्जी को दूसरे बोल में ट्रांसफर करके उसमें जो बड़े खड़े मसाले हैं उसे हम निकाल देंगे. तो यहाँ पर हम घर में डबल मिरी वाले पापड़ यूज करते हैं तो उसी को मैंने सेक के इस तरह बड़े बड़े टुकड़ों में काट के सब्जी के ऊपर इस तरह से गार्निश कर दिया है.
मैं यहाँ पे 2 पापड़ का यूज कर रही हूँ और वापस हम उस पर डालेंगे थोड़ी धनिया पत्ती। हमें उस पर चाट मसाला भी स्प्रिंकल करना है, बट वो हम इंडिविजुअल सर्विंग में स्प्रिंकल करेंगे। थेपला और अचार के साथ मैंने ये सब्जी सर्व की है। वापस मैंने ऊपर से थोड़े से पापड़ के टुकड़े डाले हैं और यहाँ पर मैं अच्छे से अब चाट मसाला छिड़क दूंगी। चाट मसाला का ये सब्जी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप इसे स्किप ना कीजिए। वापस ऊपर से थोड़ा सा नींबू का रस डालूंगी और थोड़ी बहुत धनिया पत्ती भी ऊपर से मैं डाल रही हूँ। सो गाइज, ये हमारी मेथी, बैंगन और पापड़ की सब्जी एकदम रेडी टू सर्व है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए केसर एंड कोको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। See you soon with some more nice and good recipes. Till then, goodbye and stay safe.